गाइस वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल लवली ब्यूटी रिकॉर्ड्स। तो गाइस यहाँ पे मैं आज बताने वाली हूँ कि ऑयल फेशियल किस तरह स्किन पे करते हैं। तो मैं ऑयल फेशियल के लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कैस्ट्रो ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। फेशियल ऑयल तो मस्टली यूज़ किया जाता है, बट यहाँ मैं कैस्ट्रो ऑयल से मसाज करके दिखाऊंगी कि किस तरह ऑयलिंग फेशियल स्किन पे किया जाता है अपने फेस पे। तो ऑयल फेशियल से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्किन्स के लिए, जो कि जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना वो अच्छे से ओपन तो रहते ही हैं। उसमें जब ऑयल अंदर तक जाता है तो स्किन रिपेयर होता है और जो एजिंग प्रॉब्लम होती है, एंटिंग एजिंग, तो उसे बहुत ही अच्छे से ये रिकवर करता है और स्किन जितनी ढीली होती है मसाज से टाइटली हो जाती है। तो गाइस थोड़े से ऑयल लेके अच्छे से स्किन पर लगा के देन आपको मसाज करना है। मसाज का प्रोसेस मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह अपने अपर लिप्स पे मसाज करना होगा, सर्कल मोशंस पे अपने स्किन पे मसाज करना होगा, जिससे कि ऑयल 10 लेयर तक नीचे अंदर तक जाए और स्किन को रिपेयर करे और जितने डैमेज स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं सारे को कवर करें। तो गाइस ये सारे मसाज बहुत ही मस्ट होते हैं खासकर हमारे स्किन के लिए। ये मसाज आप चाहें तो नाइट में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। ऑयलिंग फेशियल बहुत ही बेनिफिशियल एंड बेनिफिट्स होता है हमारे मिलता है हमारे स्किन को, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होती है और जितने भी आप डेड सेल्स प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन्स में, ऑयल में एंटिंग एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि हमारी झुर्रियाँ जो होती है वो कम हो जाती है और स्किन जब आपका टाइट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ढीलापन नहीं होगा और एंटिंग एजिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। जो डेड सेल्स की प्रॉब्लम होती हैं ऑयलिंग उससे भी क्लियर करता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैस्ट्रो ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो अवेलेबल है आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। कैस्ट्रो ऑयल स्किन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हेयर्स के लिए तो होता ही है, स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। थोड़ा चिपचिपा होता है बट स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे मसाज कर रही हूँ सर्कल मोशंस पे, अपने नोज़ पे, अपने आइस के कवर को, जो कि डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं मसाज से वो कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे मसाज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आप ऑयलिंग फेशियल में अदरवाइज फूट फेशियल में भी इस मसाज को मतलब आप कर सकते हो। तो ऑयलिंग फेशियल से हमारी स्किन डैमेज स्किन से रिपेयर होती है और स्किन्स में जितने भी विटामिन्स की कमी होती है उसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि मसाज जो ऑयल मसाज होता है वो बहुत ही मस्ट होता है हमारे बॉडी हमारे स्किन्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये रह जाता है गाइस। तो ये वीक में आप एक बार प्रोसेस करोगे तो स्किन नेचुरली ग्लो करेगी और जो ऑयल होता है ना वो 10 लेयर्स तक नीचे जाके डैमेज स्किन को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है। इसीलिए कम से कम इस ऑयल को लगा के आपको 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। जितने देर तक मसाज करेंगे बेनिफिट्स उतना अच्छा मिलेगा गाइस। तो यहाँ के आफ्टर यहाँ पर मैं अब अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी ब्लैक हेड्स पिन नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो सेफ्टी पिन होता है उसके जो बैक का जो नीचे का साइड होता है वहाँ से आप आराम से अपना ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं धीरे धीरे स्लो मोशन में, जिससे कि बहुत ही आसानी से आपका ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएगा। तो ऑयलिंग के बाद जब आप फेशियल मसाज कर लेते हैं देन उसके बाद बहुत ही ईजीली आप अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं इस प्रोसेस से। अगर आपके पास ब्लैक हेड्स रिमूवर नहीं है तो आप अपने सेफ्टी पिन बैक साइड से उल्टे साइड से आराम से स्लोली मोशन में अपने जितने भी ब्लैक हेड्स है उसे क्लियर कर सकते हैं गाइस। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करिएगा गाइस। तो ब्लैक हेड्स रिमूव करने के आफ्टर आप चाहें तो वॉश कर ले फेस को। अगर नाइट में प्रोसेस कर रहे हैं तो वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल जितने देर तक आपके फेस पर रहेगा स्किन उतनी नेचुरल एंड ग्लोइंग ब्राइटनिंग होगी, स्किन इवन टोन बहुत ही अमेजिंग होगा गाइस। तो यहाँ पे मैंने कैस्ट्रो ऑयल यूज़ किया है गुड वाइव्स का, जो कि पर्पल पे अवेलेबल है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस। आफ्टर आप देख सकते हैं कि मसाज के बाद स्किन कितनी अच्छी फ्रेश एंड ग्लोइंग हो गई है। तो मैं ये नाइट में ही प्रोसेस करती हूँ जिससे कि फेस को वॉश ना करना पड़े और ऑयलिंग जितनी देर तक रहेगी उतना फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दे लव यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।